Press the bell icon and never miss an update from Tellymasala. Hi, this is Rohan Mehra and I'm going to do a special segment with Tellymasala, which is called Insta Jhalak, जिसमें मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में से 5 पिक्चर्स चूज करूंगा और उसके पीछे की बैक स्टोरी बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं, जो पहली पिक्चर मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की थी वो ये थी, इट्स विद राम कपूर। और तब मैं बड़े अच्छे लगते हैं कर रहा था सीरियल, जो कि सोनी टीवी पर आता था, तो वो फिक्शन में मेरा पहला शो था। और इसकी डेट है 29th August 2013, तो मतलब 4 साल पहले मैंने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था। तो सेकंड पिक्चर है ये वाली, जो मैंने 21st November को ली थी 2014। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी ट्रॉफीज़ हैं। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि मैं जब 10 साल का था, तब से मैंने एक स्पोर्ट खेला था जिसका नाम है टेबल टेनिस, और उसके अंदर मैंने दिल्ली, पंजाब, उत्तरांचल को काफ़ी साल रिप्रेजेंट भी किया था। तो उसके पीछे की स्टोरी ये थी। जो अब थर्ड पिक्चर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। वो पिक्चर मैंने ली थी May 18th 2015। इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा पहला अवार्ड था, बेस्ट डेब्यू का मुझे अवार्ड मिला था स्टार परिवार अवार्ड्स में। तो ये पिक्चर मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। अब मैं आपको अपनी फोर्थ पिक्चर दिखाऊंगा, जो कि मेरे दिल के काफ़ी करीब है, और वो है ये वाली। ये पिक्चर मैंने 20th May 2016 को ली थी, और इस पिक्चर के अंदर खासियत ये है कि मेरी फ़र्स्ट सेल्फ ओन कार है, तो मैंने अपने पैसों से ही खरीदी थी, तो इसकी अलग ही स्पेशल फीलिंग थी इसके पीछे। तो यहाँ तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर दिखाई थी, तो अब मैं आपको लास्ट पिक्चर दिखाता हूँ, वो है ये वाली, जिसके अंदर जो कि मैं अभी प्रेजेंट शो कर रहा हूँ ससुराल सिमर का, ये उसका एंड पेज है, उसका पोस्टर है। तो ये भी मेरे दिल के बहुत ही करीब है, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी ये करंट शो है जो मैं कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं बैठा हूँ अकेले राजा की तरह, और सिमर और उनकी दो बेटियाँ जो हैं वो मेरे आज साथ में खड़ी हैं। तो ये अलग ही फीलिंग है इसके अंदर, मैं अकेला बैठा हुआ मज़े से और 3 लड़कियाँ से खड़ी हैं। तो ये थी मेरी इंस्टा पिक्चर्स के पीछे की कहानी। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा।